दी जिंदगी कुदरत वालों दिता एक कीमती तोहफा। इस नू नशे विच ना गवाइए। आओ असी रल मिल हाथ मिलाइए, पंजाब नू एक नशा मुक्त सूबा बनाइए। काफ़ी लंबे समय तो बरनाला मनोरोग हस्पताल नशा छड़ाउण दी जिहड़ी है इन्हां मरीजां दी मदद कर रहा है। लगातार मरीज अपने नशे नूं छड्डण दे लई इत्थों दवाई लैंदे ने, अपना इलाज कराउंदे ने। पेशेंट का मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी काफ़ी कि मुझे नशा छोड़ना है किसी भी हालत में। नाल दे गवांढियां ने उत्थे कहा भी मनोरोग हॉस्पिटल बरनाला च जाओ, ठीक है, उत्थे अपना शरीर में बचाओ तो मेडिसिन देंदे आ। दूसरी बात यह है कि जो उनको आप बोल रहे हैं जैसे कि जो नशा प्रोवाइड करवाते हैं वो लोग उनको छोड़ने नहीं देते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको उस चीज़ से दूर होना ज़रूरी है, डिस्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, मतलब, है ना। हौली हौली मैं दवाई घटा रहा, हर 15वें दिन मैं अपना घटा देना डोज, तो वो मैनू कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही, तो मैनू रोज़ समझाते भी आ। मैं घर सब कोई लड़ाई रही थी अगे, तो हम कोई वास्ता नहीं, हाँ हम खुश आ। मनुख की जिंदगी कुदरत वालों दिता एक कीमती तोहफा। इस नू नशे विच ना गवाइए। आओ असी रल मिल हाथ मिलाइए, पंजाब नू एक नशा मुक्त सूबा बनाइए। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो स्काई न्यूज़ पंजाब ते मैं हाँ साहिल। अज असी एक अजिही थां ते पहुँचे हाँ जो कि पंजाब दे नौजवानों नू ही नहीं बल्कि हर उस इंसान नू जो कि नशे नाल त्रासदा है उस नू नशे तो बाहर करते हैं, नशे की लत तो बाहर करते हैं। किस तरीके दे नाल इस पूरी प्रक्रिया नू संभव किया जाता, किस तरीके दे नाल जेड़ा मरीज नशे तो त्रासदा उसनू नशे तो बाहर कढ़िया जाता है। अक्सर ये गल कही जाती है कि नशे तो बाहर कढ़न दे लई एक मरीज नू दूजे नशे ते लाया जाता है। इस दे विच किन्नी सच्चाई है, दवाइयां दे विच की हुंदा, किस तरीके दे नाल केड़ियां दवाइयां मरीज़ां नूं दित्तियां जांदियां ने जो कि एक मरीज़ नूं नशा छड्डण च मदद करदियां ने, किस तरीके दे नाल एक मरीज़ दे दिमाग दे विच उस नूं उत्साहित कीता जांदा कि नशा जिहड़ा करना वो सही नहीं है, उस दे लई भी ते ना ही उस दे परिवार दे लई। इस बाबत अज असीं जानकारी लैण लई पुज्जे आ बरनाला दे बरनाला मनोरोग हस्पताल दे विच जो कि एक नशा छड़ाऊ केंद्र है। काफ़ी लंबे समय तो बरनाला मनोरोग हस्पताल नशा छड़ाउण दी जिहड़ी है इन्हां मरीज़ां दी मदद कर रहा है। मरीज़ लगातार इत्थे आउंदे ने, लगातार मरीज़ अपने नशे नूं छड्डण दे लई इत्थों दवाई लैंदे ने, अपना इलाज कराउंदे ने। हालांकि जेकर गल कीती जावे बीते समय दे विच इस हस्पताल दे विच जिहड़ा बरनाले का लोकल प्रशासन है उस वालों एक इंस्पैक्शन भी की गई सी, जिस विच इन्हां दे रिकॉर्ड भी चैक किए गए अते ये भी देखा गया कि किस तरीके दे नाल ये हस्पताल मरीज़ां नूं नशा छड्डण दे विच मदद करदा है। एक वड्डी सफलता इस हस्पताल नूं हासिल हुई जिस चलदे अज स्काई न्यूज़ की टीम इस हस्पताल दे विच यानी कि बरनाला मनोरोग हस्पताल दे विच पुजी है। असी इत्थे दे डॉक्टरां नाल भी गल करांगे, असी इत्थे दे काउंसलर्स नाल भी गल करांगे ते उन्हां मरीज़ां नाल भी गल करांगे जिन्हां ने इस हस्पताल दी मदद दे नाल, इस हस्पताल दे विच मौजूद डॉक्टरां दी मदद दे नाल, इस हस्पताल दे विच मौजूद काउंसलर्स दी मदद दे नाल नशा छड्डिया, नशा मुक्त होए ने। ते भी जरूर जानन दी कोशिश करांगे कि जदों उह नशा करदे सी उदों उन्हां दी जिंदगी की सी ते अज जद नशे तो मुक्त हो चुके ने, नशे तो रहित हो चुके ने, ते अज इन्हां दी जिंदगी किदां दी आ। आओ चलिए करिए डॉक्टरां नाल, काउंसलरां नाल अते उन्हां मरीज़ां दे नाल गलबात जो कि नशे तो बाहर आ चुके ने। सो बरनाला मनोरोग हस्पताल दे विच असी मौजूद आ जिथे कि लोग जिहड़े नशियां तो त्रासद ने ओह अपना नशा छड्डण दे लई इत्थे आउंदे ने। किहड़े मेजर नशे ने जिन्हां नूं लैके इत्थे दे डॉक्टर्स ट्रीट करदे ने, पेशेंट्स नूं समझाउंदे ने कि नशा किवें माड़ा, किहड़ा जिहा नशा जो ज़्यादा देखा जाए तो ज़्यादा तौर के उत्ते देखा जाता है कि कारण दसदे ने मरीज। इस बाबत साडे नाल गल करन लई डॉक्टर अनुराग चौहान मौजूद ने जो कि साइकाट्रिस्ट ने, MD साइकाट्रिस्ट ने, तो इत्थे प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलबात कर रहे हैं। सो अनुराग जी, डॉक्टर साहब, किहड़ी इदां दी चीज़ है या कहिए कि किहड़ा इदां दा नशा जो कह लीए कि इस वक्त हर इंसान दे विच बहुत जल्दी अप्रोच विच आ जाता है तो लोग जिहड़े ने उस नशे तो त्रासद हो जाते हैं? जी, अगर हम पंजाब की बात करें, अगर पंजाब में सबसे ज़्यादा अगर जिस नशे की का यूज़ होता है, एब्यूज़ होता है, वो है ओपियोइड, अफीम, जिसे आम भाषा में अफीम कहते हैं, है ना। ठीक है, कई प्रकार से यूज़ करते हैं लोग उसको, जैसे कि हेरोइन हो गया, है ना, चिट्टा हो गया, बुक्की हो गया, डोडे हो गए, है ना। तो इन मेनली ये चार तरह का चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करते हैं यहाँ पर जो हमारे अस्पताल में आते हैं मरीज, है ना। तो एक्चुअली ये आजकल आसानी से मिल जाता है यहाँ पर, है पंजाब में आसानी से मिल जाता है, इसलिए इसकी और इसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, एब्यूज़ पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसकी लत दूसरे नशे के मुकाबले जल्दी लगती है, इसलिए काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन में ये यूज़ होने लगा है आजकल, और मेनली पंजाब में ज़्यादा यूज़ होने लगा है। अगर मैं बात करूँ डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि बहुत बार ऐसे देखा गया, कई बार ये सुनने में भी आता है कि एक इंसान नशा छोड़ना चाहता होता है पर मैं बात करूं तो वहाँ पे ये भी चीज़ आ जाती है कि जो उनको नशा बेच रहा होता है, जो उनको नशा मुहैया करवा रहा होता है, उनको नशा छोड़ने नहीं देते। तो उन कंडीशंस में आप क्या करते हैं? जी, उन कंडीशन में उनको एक तो बहुत पेशेंट का मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी काफ़ी कि मुझे नशा छोड़ना है किसी भी हालत में, है ना। उसकी हम कोशिश करते हैं, जैसे कि एक काउंसलिंग मेथड होती है ना, मोटिवेशनल इनहेंस थेरेपी होती है ना। पेशेंट को मोटिवेट करते हैं कि आप किस तरीके से नशा छोड़ सकते हैं, है ना। और दूसरी बात यह है कि जो उनको आप बोल रहे हैं जैसे कि जो नशा प्रोवाइड करवाते हैं वो लोग उनको छोड़ने नहीं देते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको उस चीज़ से दूर होना ज़रूरी है, डिस्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, मतलब, है ना। या अगर आप उनके पास में ही ना जाएं, अगर आप उनसे मिलना जुलना ही बंद कर दें तो वो आपको नशे छोड़ने के लिए बार बोल नहीं सकते कि नशा करते रहो आप, है ना, ऐसा भी होता है। उसके अलावा कि बाकी सब तो यहाँ पर जो आते हैं उनको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे उनको क्रेविंग नहीं होती, जैसे कि तलब लगना वो नहीं होती है ना। तो नशे को छोड़ पाने में मतलब उसकी मदद हेल्पफुल रहता है काफ़ी। सो डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर और आता है कि अक्सर ये चीज़ बोली जाती है कि एक नशे को छुड़वाने के लिए नशा छुड़ाऊ केंद्र होते हैं वहाँ पर दूसरा नशा दिया जाता है गोलियों के फॉर्म में। सो बेसिकली इस चीज़ के पीछे क्या राज है? क्योंकि लोग अक्सर ये बात बोलते हैं कि एक नशा छूटता है तो वो गोलियों के नशे में आ जाता है, जो गोलियाँ जैसे जो केंद्र होते हैं वहाँ पर मिलती है। सो उसका ये असल में क्या चीज़ होता है? अच्छा, बेसिकली यहाँ पर जो दवाइयाँ दी जाती है ना, तो वो होती है जैसे कि बुप्रोनॉर्फिन और नेलोक्सोन का मिक्सचर होती है ना, कॉम्बिनेशन होती है। जो बुप्रोनॉर्फिन है एक वो सिंथेटिक ओपियोइड ही है एक तरीके से, है ना, तो वो होता है। और उसके साथ में एक जो नेलोक्सोन जो होता है कॉम्बिनेशन में, वो होता है एंटागोनिस्ट, ओपियोइड एंटागोनिस्ट, जो उसके असर को कम करता है। तो दोनों को कंबाइनली देने से ऐसा होता है कि जो बुप्रोनॉर्फिन का जो इफ़ेक्ट, जो यूफोरिक इफ़ेक्ट जो आता है ना, जो सिंथेटिक ओपियोइड एक तरीके से, उसका जो यूफोरिक इफ़ेक्ट आता है नेलोक्सोन उसको कम कर देता है। तो इस वजह से क्या है कि उसकी आदत नहीं पड़ती, उसका एडिक्शन नहीं होता है, जितना कि प्योर फॉर्म में जो ओपियोइड जो यूज़ कर रहे हैं जिसका एडिक्शन, मैंने बताया आपको कि एब्यूज़ पोटेंशियल बहुत होता है, तुरंत लत लगने लगती है, उस तरीके से नहीं होता है। अगर और इसका एक बेनिफिट, इस दवाई का बेनिफिट ये है कि इसकी इतनी तलब नहीं लगती, क्रेविंग नहीं होती है, आदमी को लगता है कि मैं टेबलेट ले रहा हूँ, और उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर अपन उसको टेपर ऑफ करके बंद भी कर सकता है आदमी। जैसे हमारे पास में काफ़ी सारे पेशेंट जो आते हैं वो पहले 4-4 टेबलेट लेते थे, लेकिन आज वो आधी या कोई चौथा हिस्सा ले रहे हैं आजकल दवाई का। मतलब कि काफ़ी सारे लोगों ने कम करके उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो ये है। तो इसमें कभी ऐसा भी होता है कि किसी पेशेंट को लत लगी गई हो, फिर उसको छुड़वाने के लिए क्या किया जाता है उनको? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आपने भी बताया कि 4 से शुरू होते हैं, 1 पर आ जाते हैं, आधी पर भी आ जाते हैं, पर फिर भी चलती रहती है। क्या ये दवाइयाँ लाइफ टाइम होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ टाइम की कोई दवा नहीं होती। उनको बताया जाता है, उनको ये बताना पड़ता है कि इसके हर दवा के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो आप इसको मतलब आप लाइफ लॉन्ग तो नहीं ले सकते हैं, है ना। आपको इसकी वजह से भी परेशानी हो सकती है ना। काफ़ी सारी दवाइयाँ, हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है जैसे कि, है ना। तो उनको ये सब बताना पड़ता है। उनको छोड़ने के लिए हम थेरेपी देते हैं, है ना। उनको मोटिवेट करते हैं कि आप किस तरीके से छोड़ सकते हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि दवाई से ज़्यादा जो आपकी मोटिवेशन या फिर काउंसलिंग जो वो कहीं ना कहीं काम ज़रूर करती है। काफ़ी हद तक काउंसलिंग का काफ़ी बड़ा रोल है इस चीज़ में। तो उनकी काउंसलिंग हर विजिट पे हम कोशिश करते हैं कि की जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि आप टेपर ऑफ करें ये सब मेडिसिन को, और दूसरा नशा ना करें इसके ऊपर अगर कुछ कर रहे हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू। सो इस संदर्भ नाल डॉक्टर अनुराग चौहान जो कि मनोरोग बरनाला मनोरोग ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਾਈਕਾਇਟ੍ਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤਰਾਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। तो जेकर गल की जाए जी दवाई दी जाती है, अक्सर इस सवाल किया जाता है कि जी दवाई दी जाती है वो दवाई अपने आप से एक नशा है, क्योंकि एक नशे को छड्डण लई दूजा नशा लाया जाता। पर इन्हां दा कहना है कि जिहड़ा जी दवाई दी जाती है वो दवाई अपने आप दे विच ही जिहड़ी है डोज घटाती है, घटा के जिहड़े लोग उसनूं लैंदे ने उहदी डोज घटाउंदे ने ताकि वो दवाई दी जिहड़ी आदत किसी भी व्यक्ति नूं ना पवे, अते नशा जिहड़ा छड्डण दे लई इंसान आंदा वो बिल्कुल दवाई रहित हो जाए तो नशा रहित हो जाए। तो एक वड्डी गल होर इन्होंने आखी है कि कली दवाइयां ही नहीं बल्कि काउंसलिंग जिहड़ी है बहुत जरूरी है। एक इंसान दे दिमाग दे विच उत्साह भरना कि वो नशा छड्डना चाहुंदा वो बेहद ज़रूरी है। वो कौन लोग करते हैं, वो कौन काउंसलर्स ने, असी उन्हां नाल भी गलबात जरूर करांगे। नशा करते थे कितने समय तो करते? मैं सर भुक्की का नशा करता सी, काफ़ी पिछले 3-4 साल तो लेंदा सी लगातार। डोज भी काफ़ी सी ते डैडी नाल खेती भी करते सी, उहदे कई पार करके थकावट हुंदी सी। उस तो बाद जी मैनू नाल दे गवांढियां ने उत्थे कहा भी मनोरोग हॉस्पिटल बरनाला च जाओ, ठीक है, उत्थे अपना शरीर नूं बचाओ ते मेडिसिन दिंदे आ। तो मैनू रिया मैडम ने उरे मेरी सारा ट्रीटमेंट चैक कराया किन्नी डोज किन्ने मुताबिक उस हिसाब नाल मैनू मेडिसिन लाई है जी। तो उहदे नाल मेरा काफ़ी सुधार हो गया। तो हौली हौली मैं दवाई घटा रहा, हर 15वें दिन मैं अपना घटा देना डोज, तो उहदे नाल मैनू कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही। तो मैनू रोज़ समझाते भी आ। भुक्की तुसीं गल करदे हो कि हुण तुसीं कंजम्पशन घटाती हुई है? हाँ जी, काफ़ी हद तक घटाता जी। कहते कि जिन्ना जो भुक्की बंदा तोड़ लगती है, तोड़ लगती है? नहीं सर, कोई तोड़ नहीं लगती। ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਰੇ ਆਓ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਰ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਭੁੱਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਇਹਨੇ ਉਹ ਨੀਂਦ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵਧੀਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ 5, ਫਿਰ ਮੈਂ 4 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ 2 'ਤੇ ਹਾਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ 'ਤੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਐਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ ਦੀ। की फर्क देखते हो पहला नालों ते हुण नालों अपने शरीर च, क्योंकि 20 साल एक बहुत लंबा समय ये मुंडा कोई फर्क नहीं। आ चीज वधिया भुक्की नाल औखा ही हुंदा सी भोरा, नहीं तो पेट खराब रहिंदा सी, नहूं औखा रहिंदा सारा दिन। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਊ, ਭੁੱਕੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਆ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਂ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ 5 ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 4 'ਤੇ, ਹੁਣ 2 'ਤੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੀ ਜਾ ਕਰਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਤੋੜ ਮੱਚਦੀ? ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾ 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 ਘਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਆ। ਅੱਗੇ 4000 ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਫਰਕ ਆ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਘਰੇ ਦਾ ਆਪੀ ਫਰਕ ਆ, ਲੜਾਈ ਘੱਟ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਫਰਕ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਘਰੇ ਪੈਸਾ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਭੁੱਕੀ ਬੰਨੀ, ਫਿਰ ਊਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਮੁੜ ਜਾ। ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਏ ਤਾਂ भी। फ्रेंडली सर्कल विच बस ए मन के चलो भी जो एक दूजे नाल बैठ गए, ठीक है, बस टॉर्च जां अपनी ओह बनाने वास्ते, इमेज बनाने वास्ते वह नशा पत्ता खान लग गए। केड़ा नशा खांदे सी? अफीम वगैरह भुक्की वगैरह खान पीन लग गए, ठीक है। इस तो बाद वह नशा पत्ता खान लग गए, घर दे दुखी रहन लग गए उहदे विच्चों भी। तंग हो रहा बच्चा भी जाए आ, वो मैं कुछ ज़्यादा तंग कर लग गया सी, पैसे वगैरह मांगता सी रोज़, या कुछ इधर उधर कर देना कोई भी चीज़ घर दी। तो उस तो ज़्यादा तंग होने करके फिर लड़ाई वगैरह होने लग जानी घर च। फिर हम सूँ पता ही है भी जो कुछ पैसा टके नहीं मिलता सी तो इधर उधर कुछ ना कुछ हो जाता सी, क्योंकि झलिया नहीं जाता जी कुछ भी। तो इस तो बाद हौली हौली ठीक होंदे इत्थे पहुँचे, हॉस्पिटल का पता चलिया। दोस्त ने कुछ दसिया, कहना इत्थों दी देख ला दवाई लेके, हाँ सही हो जाएगा प्रॉपर तौर पर। मैं आया, दवाई स्टार्टिंग की सब कुछ, तो मैंने 3 गोलियां की स्टार्टिंग कराई सी उदों उस टाइम। तो हुण घट्टो घट्ट हो गया होगा 1.5 साल बाद। हाँ तो उस टाइम मैं मतलब कि बहुत बुरी हालत से कोई शरीर वगैरह घट्टो घट्ट मैनू लगता 45 किलो भार होगा बस सिर्फ। हुण मैं सेहत वगैरह भी सही हैगी, जिम वगैरह जाने हैं, अपना सारा वर्कआउट वगैरह करते हैं, तो अपना नौकरी वगैरह करते हैं। उस तीन गोलियां शुरू कीतियां, गोलियां दी लोड़ पैंदी है किन्नी करने हुण? जरूरत नहीं कोई भी गोली दी जी, मतलब कि हौली हौली वो चीज़ नूं रेगुलर घटाउंदे रहे जी। काउंसलर मैम समझाउंदे रहे सानूं भी किद्दां किद्दां किवें करना। जो हुण भी कोई जरूरत पैंदी हैगी दवाई तो बगैर, कोई जरूरत आ कोई सलाह लैनी आ, तां जरूर आके पुछ के जाने हैगे हाँ भी किद्दां करिए चीज़। मतलब कि हुण कोई वो चीज़ नहीं रही भी हाँ भी एक गोली तो सरदा नहीं गा। हौली हौली छड्डदा सब कुछ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਸੀਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਵਧੀਆ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਹੁਣ। ਕੀ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਬੈਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਟਰ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਟੱਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟੱਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਠਣੀ ਉੱਠਣੀ ਆ, ਬਸ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਹੀ ਬਸ ਹੈਲੋ ਹਾਏ, ਬਸ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ ਕੋਲ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਮਨੋਰੋਗ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ तो शायद नशे की लत्त विच सन, नशे नाल त्रासद सन। उन्होंने अपने ही नहीं बल्कि उन्होंने परिवार के भी काफ़ी जिहड़ियां मुश्किलां वध गईयां सन। एक मरीज़ ने तो यह भी दस्सिया कि जदों वो नशे दे वल सन तां परिवार दे विच लगातार झगड़े रहिंदे सन, पर हुण जदों तो नशे तो रहित होए ने ते परिवार दे विच भी शांति है। कितने कितने इस गल नूं जरूर मनना पएगा कि जेकर किसी घर का एक भी जी नशे च डुब जाता तो उसका अपनी जिंदगी ही नहीं बल्कि उसके परिवार की, उसके बच्चों की, हर किसी की जिंदगी दे बहुत माड़ा असर पैंदा। फिर भावें वो लड़ाई होवे या फिर उस मरीज़ वालों ढाया गया अपने परिवार के उत्ते तशद्दद। सो ये कुछ मिसाल असी अज तुहाडे सामने लियाउण दी कोशिश कीती है, जिस नाल असी भी चाहुंदे आ कि जिस करके पंजाब नूं अक्सर सवालों के घेरे दे विच खड़ा रहना पैंदा। वो सब तो वड्डी मुसीबत, वो सब तो वड्डा लांछन जिहड़ा पंजाब दे उत्ते लगाया जाता है कि पंजाब दा नौजवान नशे च डुब्बिया होया, उस नौजवान नूं नशे चों बाहर कड्ढिया जावे। एक प्रण लईए कि असी पंजाबी होण दे नाते कदी भी नशे वल नूं ना जावांगे, नशे नूं छड्डिए, नशे तो बाहर आइए, अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार की जिंदगी नूं भी खुशहाल बनाइए। कैमरा पर्सन प्रवीण दे नाल साहिल नरूला, स्काई न्यूज़ पंजाब, बरनाला।